सलमान की फिल्म रेस 3 ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। सलमान खान की इस फिल्म ने अपना बजट रिलीज होने से पहले ही रिकवर कर लिया है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म रेस 3 अपनी सारी कॉस्टिंग ऑलरेडी रिकवर कर चुकी है, ऐसा कहना है मीडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से। आमिर खान की दंगल को सरपास करते हुए इस फिल्म ने सैटेलाइट राइट्स की अब तक की सबसे बड़ी डील क्रैक की है। इस फिल्म को सैटेलाइट राइट्स के लिए मिले हैं 10.3 मिलियन रुपीज। अब तक किसी भी फिल्म को मिले सैटेलाइट राइट्स के दामों में सबसे ज्यादा दाम है। इससे पहले रिकॉर्ड आमिर खान की फिल्म दंगल के पास था, जो 10.1 मिलियन रुपीस में बिकी थी। रमेश तौरानी जो फिल्म के प्रोड्यूसर है वो कहते हैं कि रेस 3 जैसी बिग बजट फिल्म्स को अपने सैटेलाइट राइट्स इतने हाई प्राइस में बेचना जरूरी होता है ताकि वो सेफ जोन में एंटर कर जाएं। फिल्म की कॉस्टिंग काफी ज्यादा है और उसे अभी से रिकवर कर लिया जा चुका है। एक तरफ सैटेलाइट राइट्स ने फिल्म की कॉस्टिंग रिकवर कर ली है, दूसरी तरफ एडवांस बुकिंग फिल्म का प्रॉफिट अश्योर कर रही है। रेस 3 रेस फ्रेंचाइज की तीसरी और आखिरी इंस्टॉलमेंट है। ये फिल्म 15 जून को रिलीज होगी और इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं सलमान खान के साथ जैकलिन फर्नांडिस, बॉबी देओल, अनिल कपूर, डेजी शाह एंड साकिब सलीम।